हेलो फ्रेंड्स, फिनोल की शेष रिएक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट देखते हैं राइमर डिमान रिएक्शन। राइमर डिमान रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म व एनओएच की प्रेजेंस में होती है। फिनोल की रिएक्शन और एसिडिक मीडियम होता है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगर फिनोल का कार्बोक्सिलेशन करवाना होता है हमें, तो फिनोल का कार्बोक्सिलेशन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होता है और NaOH जलीय लिया जाता है, और बनने मध्यवर्ती प्रोडक्ट जो बनता है उसका जलीय अम्लीय जल अपघटन करवाने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल का प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। अब हम देखते हैं लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया देखते हैं हम फिनोल की। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया HNO2 की रिएक्शन फिनोल से करवाई जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 व सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कम ताप पर तो हमें पैरा नाइट्रोसो फिनोल प्राप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन है ये। जो फिनोल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और निर्जल LCl3 की उपस्थिति में तो मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन करवाने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। पैरा पोजिशन पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड शेष प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। फ्रिश पुनर्विन्यास अभिक्रिया देखिए, फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से करवाई जाती है तो यहाँ पर फेनिल एसिटेट प्राप्त होता है, जिसका निर्जल LCl3 की उपस्थिति में हीट करते हैं हम एप्रोप्रियट टेम्परेचर पर तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होगा और यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होगा, पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस तरीके से हम देखते हैं फिनोल की कुछ इंपोर्ट